मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम या मैनेजमेंट बॉडी का रिव्यू करते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और किन डॉक्यूमेंट के बेस पे आप अपने रिजल्ट पे अपने रिपोर्ट को पूरा कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इसके लिए जिन बातों का होना जरूरी है, वह है सबसे पहले सेफ्टी पॉलिसी, दूसरा है रिस्क असेसमेंट, अगला पॉइंट हमारा होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर होता है सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसीजर, फिर अगला पॉइंट्स आएगा मेंटेनेंस रिकॉर्ड, फिर अगला पॉइंट्स आएगा एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड विद रिकॉर्ड, फिर अगला आएगा हेल्थ सर्विलांस रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्रेनिंग रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस ऑडिट रिक्वेस्ट रिपोर्ट। ये सारी चीजों की जरूरत होती है, इसके बगैर हम कभी भी मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैनेजमेंट कुछ चीजों में ये काफी सिमिलर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, अगर आप जो है हेल्थ सेफ्टी का भी ऑडिट किया तब भी आपको इन सारी चीजों की जरूरत है, मैनेजमेंट की भी अगर आप बात कर रहे हैं तब भी इन सारी बातों की जरूरत होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है। कारण क्या है कि जब तक हम इन बातों पे कंसीडर नहीं करते हैं तब तक हमें और भी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। पॉलिसी एक ऐसी चीज है कि पॉलिसी से हमें बहुत सारी जानकारियां मिल पाती हैं और उन अनसेफ कंडीशन की जानकारी हो पाती है। दूसरी मैं बात करूं रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट एक ऐसा हिस्सा है हेल्थ एंड सेफ्टी का, इसके बगैर सेफ्टी ऑफिसर हमेशा से अधूरा रहता है और वह सही या फिर इम्प्रूव करने की अवस्था इसी के वजह से आती है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड और मेंटेनेंस रिकॉर्ड हमें यह इस बात की तरफ हमें इशारा करती हैं कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं क्या वह प्रॉपर वे में चल रहा है या सिर्फ जो है आप कागज का पेट भर रहे हैं, कागजी कोरम पूरा कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स एक बात और मैं बहुत सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ आपको, बहुत जगह ऐसे होते हैं कि कागज तो फुलफिल कर दिए जाते हैं लेकिन वास्तव में वैसी ड्यूटी होती नहीं है, तो वहां पे रिस्क बना हुआ। मेरे ख्याल से ऐसे जगह काम करने से अच्छा है कि उस जगह को छोड़ दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी आ जाती हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जब आपको मालूम था कि मैनेजमेंट नहीं काम कर रहा है तो इसकी सूचना आपने इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को क्यों दिया, क्योंकि हम लोग जब गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे थे उस समय इस तरह का एक केस आया हुआ था और एक कंपनी ऐसी थी जो केवल कागज में सारी चीजों को फुलफिल कर देती थी और साइट पे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। खुदा न खास्ता एक दिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश एक दिन एक्सीडेंट होता है, उसमें कई लोगों के साथ कैजुअलिटी होती है, काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। उस कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, कारण क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, इसलिए कुछ हम लोगों की ऐसी सिचुएशंस है कि हम उस कंपनी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हम किसी भी बात को, मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है, किसी को डेमोरलाइज करना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, इन बातों का होना जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यह मैटर आपके करियर से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके जीवन से रिलेटेड है। तो जब भी मैनेजमेंट बॉडी का आप रिव्यू करें या जब भी मैनेजमेंट बॉडी का आप ऑडिट करें तो इन डॉक्यूमेंट्स को एक बार जरूर चेक करें। ऐसा ना हो कि आपको उन्होंने जैसा कहा आपने रिपोर्ट बना दिया और रिपोर्ट बनाने के बाद आपने दे दिया। जब रिपोर्ट बना के आप दे देंगे तो सारी जिम्मेदारी भी आपकी होती है कि आपने रिपोर्ट बनाया है, और आपको जब ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छे मिले फिर रिपोर्ट, फिर एक्सीडेंट होने का कारण क्या है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं चाहिए, फिर एक्सीडेंट हुआ क्यों, इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, आप फंस जाएंगे वहां पे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप मैनेजमेंट बॉडी का आप रिपोर्ट बना रहे हैं या रिव्यू कर रहे हो तो वहां पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर कलेक्ट करिए। वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं, सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, उसके बाद से आपका मेंटेनेंस रिकॉर्ड जो प्रॉपर हुआ है, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स है उसको भी आप कंसीडर करिए, हेल्थ सर्विलांस रिपोर्ट रिकॉर्ड क्या है उसकी रिपोर्ट क्या है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं इनके बारे में आप जरा कंसीडर करिए, ट्रेनिंग रिकॉर्ड को जरूर एक बार देख लीजिए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को देख लीजिए, और फाइनली लास्ट में प्रीवियस इनका क्या रहा है, प्रीवियस जो ऑडिट हुआ या इनका मैनेजमेंट रिव्यू हुआ है उसमें क्या रिपोर्ट है, उसमें जो इनको सजेस्ट किया गया था क्या इन्होंने इम्प्रूव किया कि नहीं किया, ये तमाम जानकारी आपको इससे मिल जाती है। तो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।